हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति फ्रॉम निर्भर एकेडमी एंड आई हार्टिली वेलकम यू टू योर इंग्लिश क्लास. सो लेट्स बिगिन विद द थर्ड लेवल व्हिच इज रिटन बाय जैक फिने. दिस वन इज द चैप्टर वन ऑफ सप्लीमेंट्री विस्टाज ऑफ क्लास 12th इंग्लिश बुक एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द पार्ट टू. इन पार्ट वन वी हैव सीन दैट पार्ट वन जो है आपका, उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से जो चार्ली है, एक दिन उसके साथ ऐसा होता है व्हेन ही वाज गेटिंग लेट देन ही डिसाइडेड टू टेक द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. और जब वो वहाँ से जा रहा था, जब वो उसके अंदर एंट्री कर गया था, तो सभी लोग जो थे वो ये जानते थे कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है उसके सिर्फ दो ही लेवल्स हैं. लेकिन उसके साथ बहुत अजीबोगरीब इंसिडेंट होता है कि वो चलते चलते जाना कहाँ चाहता है, पहुँच कहाँ जाता है. और इसी वजह से जब अब वो कहाँ पहुँच चुका है, थर्ड लेवल पहुँच चुका है. और जब वो थर्ड लेवल पे पहुँच चुका है तो उसने देखा कि वहाँ पर जितने भी लोग थे उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो किसकी तरह था, 19th सेंचुरी की तरह. बिकॉज वो 20th सेंचुरी में रह रहा था और वो कहाँ पहुँच चुका था, इमेजिनेशन करते करते वो 19th सेंचुरी में पहुंच चुका था. इसके बारे में उसने अपने साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड सैम वीनर से भी डिस्कस किया था, जिसने उसको सिर्फ ये कहा कि तुम जो है रियलिटी से बचना चाहते हो, बिकॉज जो मॉडर्न वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ वार, इनसिक्योरिटी एंड फियर. तुम सिर्फ उससे बचना चाहते हो, इसलिए तुम ये इमेजिनेशन कर रहे हो. एंड रेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स ऑल्सो एग्रीड, जितने भी उसके दोस्त थे वो भी इस बात से एग्री करते थे कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. और इसी तरीके से लुइसा जो उनकी वाइफ है वो भी बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है बात सुन करके कि उनके हस्बैंड जो हैं वो कहीं जाना कहाँ चाहते हैं और वो इमेजिनेशन करते करते कहीं पहुँच जाते हैं. अभी हमारा जो चैप्टर पार्ट वन में जो फिनिश हुआ था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से वो जब 19th सेंचुरी में वहाँ पे थर्ड लेवल में पहुँचे हैं तो वहाँ पर बहुत कम इंफॉर्मेशन बूथ्स बने हुए हैं और वहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है. तो किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस रहा अब हम आगे देख लेते हैं कि उन्होंने जब वो थर्ड लेवल पे पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा. यस, देयर वर ब्रास स्पीटन्स ऑन द फ्लोर. स्पीटन्स क्या होते हैं, कंटेनर्स. ठीक है, कंटेनर्स होते हैं जिसको स्पिट करने के लिए, थूकने के लिए यूज किया जाता है, कंटेनर्स. बहुत सारे ब्रास, ब्रास मीन्स क्या होता है, पीतल. एक मेटल होता है पीतल का जो कि येल्लोइश होता है, उसको उसके बने हुए थे स्पीटन्स ऑन द फ्लोर और वो फ्लोर पे रखे हुए थे. एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लिंट ऑफ लाइट कॉट माय आई. इट मीन्स ग्लिंट मीन्स क्या होता है, ग्लिम्प्स, एक झलक. तो स्टेशन को क्रॉस करते हुए उनकी जो नजर है वो एक झलक पर पड़ती है और वो क्या था, अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट. कि एक आदमी जो है अपनी गोल्ड वॉच जो है अपनी वेस्ट पॉकेट से निकाल रहा था. वेस्ट पॉकेट मीन्स क्या होता है, एक अंदर एक पॉकेट बनी होती है कोट के, उसको बोलते हैं वेस्ट कोट. वेस्ट कोट, यस. वो अपने वेस्ट पॉकेट से, वेस्ट कोट से एक गोल्ड वॉच निकालता है. ही स्नैप्ड ओपन द कवर. स्नैप्ड मीन्स क्या होता है, किसी चीज को एकदम से खींचना, स्ट्रेच करना. ठीक है, स्ट्रेच. उन्होंने अपने जो गोल्ड वॉच अपनी पॉकेट से निकाली उसको खींचा, ओपन द कवर, खींच करके उसको ओपन किया. ग्लेंस एट हिज वॉच एंड फ्राउंड. उस अपनी घड़ी की तरफ देखा एंड फ्राउंड. फ्राउंड मीन्स क्या होता है, गुस्से में अपनी त्योरियां चढ़ाना, जैसे हम गुस्से के अंदर ऐसे कर लेते हैं ना, कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस देना. ही वोर अ डर्बी हैट. डर्बी मीन्स क्या है, एक पुराने टाइम में जैसे आप इस इमेज में देख सकते हैं जिस तरह का इन्होंने हैट पहना हुआ, दैट इज कॉल्ड डर्बी. डर्बी हैट इट इज कॉल्ड, यस. और उन्होंने देखा, चार्ले ने देखा कि उन्होंने एक डर्बी हैट पहना हुआ था, अ ब्लैक फोर बटन सूट विद टाइनी लेपल्स. लेपल्स क्या होता है, एक्चुअली आपने देखा होगा अंदर एक जैकेट या जो कोट पहना जाता है उसका जो कॉलर के साथ जो जैकेट अटैच होता है, तो वो कुछ इस तरीके से क्या करता है, फ्रंट का जो पार्ट होता है वो फोल्ड होकर के आ जाता है, जैसे आपने ये देख रहे हैं इस कॉलर के साथ ये वाला. तो इस तरह का कुछ आप बोल सकते हैं, यस. तो ही वोर अ डर्बी हैट एंड अ ब्लैक फोर
बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स। डर्बी जो इस पर्सन ने पहना हुआ, कुछ इस तरह का हैट उन्होंने पहना हुआ था, एंड फोर बटन सूट विथ टाइनी लैपल्स। टाइनी लैपल्स, लैपल्स क्या होता है, फ्रंट पार्ट ऑफ जैकेट ज्वाइंट टू द कॉलर एंड फोल्डेड बैक। जैसे आपने देखा होगा कोट के जो ये आप अगर वो पहनते हैं, जैसे स्कूल्स के अंदर ब्लेजर्स वगैरह होते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, वो ऐसे फोल्ड होकर के वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड लैपल्स। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेज, और उसकी जो मूछे थी वो हैंडल बार जैसी थी, लाइक बिग ब्लैक। हैंडल बार क्या होता है, जैसे इस तरह से ऐसे करके ऐसे जो मूछे होती हैं, जो कि पहले टाइम में लोग बहुत रखते थे। तो आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह की जो मूछे थी वो उस पर्सन की थी। एंड देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरी वन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग। और जब मैंने चारों तरफ देखा तो मैंने देखा कि उस स्टेशन पे जितने भी लोग खड़े हुए थे उनका जो ड्रेसिंग सेंस था वो कुछ किस तरह का था, 1890s का था। आई नेवर सो सो मैनी बियर्ड्स, साइड बोन्स एंड फैंसी मुस्टेच इन माई लाइफ। क्योंकि वो जो 19th सेंचुरी थी उसी के अंदर लोगों को बहुत ही ज्यादा इस चीज का शौक था कि वो डिफरेंट डिफरेंट मूछे रखते थे, उनकी दाढ़ियां जो थी वो भी बहुत अलग अलग हुआ करती थी, इस तरह के शौक लोगों को हुआ करते थे। साइड बर्न्स क्या होता है, यस आपने देखा होगा यहाँ पे जो कान के जो सामने वाले पोर्शन होता है इसमें जो बाल बहुत ज्यादा ग्रो किए जाते हैं, जिसको कि आप कलम बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसको क्या कहा जाता है, साइड बर्न्स। यस, तो साइड बर्न्स क्या हो गया, हेयर्स ग्रो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। कलम जिसको बोलते हैं, जो मेन होते हैं वो बहुत ज्यादा उस टाइम रखते थे, तो डिजाइन की कलमें वो बनवाया करते थे, तो वो 19th सेंचुरी में काफी फेमस था। एंड फैंसी मुस्टेच इन माई लाइफ, और इतना ज्यादा फैंसी बियर्ड, साइड बर्न्स और इतनी सारी फैंसी मुस्टेच उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। अ वुमेन वॉकड इन थ्रू द ट्रेन गेट, तभी उसने देखा कि ट्रेन गेट से एक वुमेन जो है बाहर निकलती है। शी वोर अ ड्रेस विद लेग ऑफ मटन स्लीव। लेग ऑफ मटन जो होता है ये आप इस इमेज में देख सकते हैं, जो ऊपर एक पफ बना होता है, नीचे से बहुत टाइट फिटिंग जो स्लीव्स होती हैं उसको लेग ऑफ मटन स्लीव्स कहा जाता है। सो लेग ऑफ मटन स्लीव्स क्या हो गई, टाइट फिटिंग स्लीव्स, टाइट फिटिंग स्लीव्स, ठीक है। सो इस तरह की जो स्लीव्स होती थी उस टाइम में काफी फेमस थी, और जो वुमेन हुआ करती थी उस टाइम वो बहुत ज्यादा उसको पसंद किया करती थी, और बहुत डिजाइनर डिजाइन उनका बनवाया करती थी, जिसमें वो नीचे वाला पोर्शन होता था वो काफी टाइट फिटिंग हुआ करता था। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूजेस, और जो शूजेस पहनती थी वो ऊपर तक उसके बटन जाया करते थे। तो उन्होंने देखा कि सामने से एक लेडी आ रही थी, एक वुमेन आ रही थी जिसने लेग ऑफ मटन स्लीव्स पहना हुआ था, साथ ही साथ स्कर्ट और उसके ऊपर हाई बटन शूजेस पहने हुए थे। तो इस तरह का जो ड्रेसिंग सेंस हुआ करता था वो 19th सेंचुरी में काफी फेमस था। बैक ऑफ हर, और जस्ट उसी के ही पीछे, आउट ऑफ द ट्रैक्स, ट्रैक्स मीन्स यहाँ पे रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक। सो उसके पीछे आउट ऑफ द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स ऑफ अ लोकोमोटिव। ग्लिम्स मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, यस ग्लिम्स मीन्स साइट। तो उसको वहां पर एक झलक दिखाई देती है लोकोमोटिव। लोकोमोटिव क्या होते हैं, इंजन को बोला जाता है लोकोमोटिव। अ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा सा, कुरियर एंड इवास लोकोमोटिव, यहाँ पर उस कंपनी का नाम भी बताया है जो 19th सेंचुरी के अंदर जो ट्रेन होते थे उसके इंजन बनाया करती थी। विद अ फनल शेप्ड स्टैक, और वो किस तरह के होते थे मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ एक बार, कि किस तरह के जो इंजन हुआ करते थे वो इस तरह के इंजन हुआ करते थे। आप जैसे इस इमेज में देख सकते हैं कि इसमें जो ये ऊपर का जो पोर्शन है दैट इज लाइक फनल शेप्ड, जैसे कीप होती है, फनल होती है, उसका शेप का ये बना हुआ था। एंड देन आई न्यू, ठीक है। सो उसको जो वो लोकोमोटिव्स दिखाई देते हैं जो 19th सेंचुरी में लोकोमोटिव्स यूज होते थे इंजन के लिए, वो इस तरह के होते थे। तो जैसे ही उसको वो इंजन दिखाई देते हैं वो लोकोमोटिव, ये क्या है सब, लोकोमोटिव, लोकोमोटिव मीन्स इंजन। तो वो फनल शेप्ड थे जो कि किसमें बहुत ज्यादा फेमस थे, 19th सेंचुरी के अंदर, और उनको देख करके ही वो जान पाता है कि वो कहाँ पहुंच चुका है, वो 19th सेंचुरी में पहुंच चुका है। जैसे उसने उस
ट्रेन्स को देखा, उसके लोगों की ड्रेसिंग सेंस को देखा, तो वो तभी जान पाया कि वो कहाँ आ चुका था, वो 19th सेंचुरी में आ चुका था। तो इस तरह के जो इंजन्स होते थे वो 20th सेंचुरी में यूज नहीं होते थे जैसा कि उसने देखा। तो अभी अपने आप को श्योर करने के लिए वो क्या करता है, यस, अब उसको पता चल चुका था कि वो 19th सेंचुरी में आ चुका है, तो अभी अपने आप को श्योर करने के लिए, टू मेक श्योर, आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज बॉय। वहीं पे एक लड़का जो है बैठ करके न्यूज पेपर बेच रहा था, तो वो वहां पे जाता है और देखता है कि क्या मैं ठीक था, एंड ग्लेंस्ड एट द स्टैक ऑफ न्यूज पेपर एट हिज फीट। अब उसने देखा कि वहां उसके पैरों के पास में जो स्टैक, स्टैक मीन्स क्या था, पाइल, जो ढेर लगा हुआ था किसका, न्यूज पेपर्स का, इट वॉज द वर्ल्ड। और ये कौन से न्यूज पेपर थे, द नेम ऑफ द न्यूज पेपर वॉज द वर्ल्ड न्यूज पेपर था, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन द 19th सेंचुरी ओनली, एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश्ड 4 ईयर्स। और जो द वर्ल्ड न्यूज पेपर था वो तो बहुत सालों से पब्लिश ही नहीं हुआ था। द लीड स्टोरी सैड समथिंग अबाउट प्रेजिडेंट क्लीवलैंड, और उसकी जो मेन हेडिंग थी, जो मेन हेडलाइंस थी, वो किसके बारे में बता रही थी, वो वहां के प्रेजिडेंट क्लीवलैंड के बारे में बता रहे थे, और क्लीवलैंड जो थे वो 19th सेंचुरी में ही प्रेजिडेंट थे। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी फाइल्स। और ये जो फ्रंट पेज वो यहाँ पर देखता है इस तरह का न्यूज़पेपर, इसी न्यूज़पेपर को, क्योंकि स्टोर करके रखते हैं जो पुरानी चीजें होती हैं, तो जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसमें ये फ्रंट पेज चार्ले पहले ही देख चुका है, एंड इट वॉज प्रिंटेड ऑन जून 11, 1894। और इस पर जो डेट मेंशन थी, जो प्रिंट थी, वो कौन सी थी, वो थी जून 11, 1894। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक था, वो 19th सेंचुरी में पहुंच चुका था। ये उसको कैसे कंफर्म हो जाता है, जब वो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर को देखता है। आई टर्न टुवर्ड द टिकट विंडोज नोइंग दैट हियर, ठीक है, अब वो किसकी तरफ टर्न करता है, टिकट विंडो की तरफ, ये जानने के लिए, ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइसा एंड मी एनी वेयर इन द यूनाइटेड स्टेट वी वॉन्टेड टू गो। और मैं ये जानने के लिए टिकट विंडो के पास मुड़ा कि मुझे और मेरी वाइफ लुइसा को, कि अगर मैं यहाँ से टिकट खरीदता हूँ तो क्या यूनाइटेड स्टेट्स में जहाँ हम लोग चाहते थे वो हमें लेकर के जा सकते थे, वहाँ का टिकट हमें मिल सकता था, इन द ईयर 1894। और कहाँ पर, उस ईयर के अंदर जिसके अंदर उसने विजिट किया है, जहां वो पहुंचा है, तो वो ये जानना चाहता था कि इस ईयर में, इस जहां पर मैं विजिट कर रहा हूँ, क्या मुझे वहां से ऐसी कोई टिकट मिल सकती है जहां से मैं अपनी वाइफ के साथ यूनाइटेड स्टेट्स में जहां जाना चाहूँ वहां मैं जा सकता हूँ। एंड आई वॉन्टेड टू टिकट्स टू गेल्सबर्ग इलिनॉइस। और मैं कहाँ जाना चाहता था, मुझे दो टिकट्स चाहिए थी गेल्सबर्ग इलिनॉइस की, क्योंकि वो इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन वो करता है, जिस इमेजिनेटिव प्लेस को वो जानना चाहता है, वो यही वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा उसको क्या मिलने वाला था, पीस मिलने वाला था। वो एक ऐसी जगह थी जहां पर वो अपनी जिंदगी शांति से बिता सकता था। तो यही कंफर्म करने के लिए वो टिकट विंडो की तरफ मुड़ता है और ये चाहता है कि वहां से उसको दो टिकट्स मिल जाए जो उसको गेल्सबर्ग इलिनॉइस ले जाए उसकी वाइफ के साथ में। यस, अभी वो हमें बताता हैव यू एवर बीन देयर, कि क्या आप वहां कभी जा चुके हैं, इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल, अभी भी वो एक बहुत सुंदर जगह है, विद बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, जहाँ जो घर बने हुए हैं वो पुराने तरीके से बने हुए हैं, बड़े बड़े घर हैं, यूज लॉन्स, बहुत बड़े बड़े लॉन्स हैं, गार्डन्स हैं, एंड ट्रिमेंडियस ट्रीज एंड हूज ब्रांचेस मीट ओवर हेड एंड रूफ द स्ट्रीट्स, जहां पर बहुत बड़े बड़े, ट्रिमेंडियस मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली गुड, बहुत सुंदर सुंदर जो पेड़ है वो वहां पर है, हूज ब्रांचेस मीट ओवर हेड, और जिसकी जो ब्रांचेज एक दूसरे के साथ मिलती है, एंड रूफ द स्ट्रीट, और किसकी गलियों के ऊपर क्या बना लेती है, एक रूफ बना लेती है। सो यहाँ पर ट्रिमेंडियस, ट्रिमेंडियस का मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली गुड, ट्रिमेंडियस एक्सट्रीमली गुड, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से उन्होंने ब्रांचेस को यहाँ पे डिस्क्राइब किया, वो कैसे है कि मान लीजिए ये यहाँ पे स्ट्रीट है, ठीक है, तो स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या है, ट्रीज बने हुए हैं, ये ट्रीज है लाइक स्ट्रीट के, ठीक है, और इस साइड में भी है ट्रीज, यहाँ पे भी है, इधर की साइड में भी है,
तो उनकी जो ब्रांचेज हैं वो आपस में यहाँ से यहाँ तक मिलती है, लाइक इस तरीके से मिलती हैं, ठीक है, ब्रांचेज आपस में मिल रही हैं, ठीक है, मैं जैसे आपको वैसे ही दिखा रही हूँ इसको। और वो क्या कर रही हैं, वो इन स्ट्रीट के ऊपर क्या बनाती हैं, एक रूफ बना लेती हैं। तो वो बताते हैं कि जो गेट्सबर्ग के अंदर जो इलोनॉइस जो टाउन है उसकी जो गलियां हैं वो इस तरह की हैं, बहुत अच्छी जगह है। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। और वो ये भी कहते हैं कि जो समर इवनिंग्स हैं, जो शाम होती है गर्मियों की, वो काफी बड़ी। दैट एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स, कि जो लोगों ने अपने घर के सामने लॉन्स बनाए हुए हैं उनमें लोग बैठ जाया करते हैं। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, जो मैन है वो सिगार स्मोक कर रहे हैं। एंड टॉकिंग क्वाइटली, और बड़े प्यार से आराम से बात कर रहे हैं। द वीमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, ठीक है ना, और जो औरतें हैं उनके हाथों में क्या है, पाम लीफ फैंस हैं, वो जो पाम के बने हुए जो पत्ते होते थे उनसे वो फैंस बनाया करते थे। तो उससे वो क्या कर रहे हैं, उनको हिला रहे हैं, मूव कर रहे हैं। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड, फायर फ्लाइज क्या होते हैं, जुगनू होते हैं, ठीक है, और चारों तरफ क्या है, जुगनू ही जुगनू है। ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और कैसी दुनिया है, बिल्कुल फुल ऑफ पीस है, किसी तरह का कोई डिस्टर्बिंग नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। टू बी बैक देयर विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर। क्योंकि अभी जो टाइम है वो कौन सा है बच्चे, वो है 1894, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपका हुआ था इट वॉज इन 1914, ठीक है, ये 4 ईयर्स चला था, 1914 टू 1918। एंड जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था इट वॉज 1939 टू 1942। तो इसीलिए वो ये यहाँ पे कहते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उससे ये कितना दूर है, 20 ईयर्स दूर है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से अप्रोक्सीमेट 40 ईयर्स दूर है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि लोगों को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है, लोग बहुत खुश हैं, एक पीसफुल लाइफ वो जी रहे हैं। तो इसीलिए वो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बात कर रहे हैं। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, और मैं उसी जगह जाना चाहता हूँ जहां पर लोग अपने लाइफ को इतना एंजॉय कर रहे हैं, जहां उनको किसी भी वर्ल्ड वॉर का डर नहीं सता रहा है, वो अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील कर रहे हैं, और मुझे उसी जगह उसी टाउन में जाने के लिए 2 टिकट्स चाहिए। अभी जो क्लर्क है जो बैठे हुए जिनसे उन्होंने टिकट लेनी है, द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, उन्होंने काउंट किया, फिगर किया कि कितना किराया लगेगा। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हैट बैंड, क्योंकि चार्ले ने एक फैंसी हैट बैंड पहना हुआ था जो उस टाइम के अंदर नहीं होता था, क्योंकि चार्ले कहाँ से आया, चार्ले जो है वो 20th सेंचुरी से आया, और उस टाइम के अंदर इस तरह की जो ड्रेसिंग सेंस है वो अजीब होती है, और इसीलिए वो किसकी तरफ देखते हैं यहाँ पर, वो उसके फैंसी हैट बैंड की तरफ। कौन देखते हैं यहाँ पे, क्लर्क। सो फिगर्ड मीन्स क्या हो गया, कैलकुलेटेड, एंड ग्लैंस्ड एट लुक्ड। तो उसने चार्ली का जो फैंसी हेडबैंड था उसकी तरफ देखा, बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन फिर भी वो अपने काम में बिजी रहा, उसने कैलकुलेट किया फेयर। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मुझे ऐसा लगा जो उसने फिगर किया है कि मेरे पास इतने रुपीज थे कि मैं वहां तक जाने के लिए 2 टिकट्स खरीद सकता था, वन वे एटलीस्ट जा तो सकता ही था एक साइड का। बट वेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुकड अप, लेकिन जैसे ही मैंने पैसे बाहर निकाले और पैसे गिने, काउंट किया उनको और फिर ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, तो मैंने देखा कि जो क्लर्क था वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, दैट एंट, एंट मीन्स क्या है, इजेंट, एंट मीन्स इजेंट, यस, दैट इजेंट मनी मिस्टर, कि ये नहीं चलेगा, ही सैड। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, टू स्किन क्या हो गया, फूल, कि अगर तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तो तुम बहुत दूर तक नहीं जा सकते हो, मतलब तुम मुझे मूर्ख बना करके यहां से भाग नहीं सकते हो। एंड ही ग्लैंस्ड एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, अभी उसने क्या करा, जल्दी से उस कैश ड्रॉर की तरफ देखा जो उसके साइड में था। ही ग्लैंस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, हिम कौन है यहाँ पे, क्लर्क है, एंड ही कौन है, चार्ले। चार्ले ने उसके साइड में जो कैश ड्रॉर था उसकी तरफ देखा, ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, बिल्स मींस जो करेंसी उसने उस ड्रॉर के अंदर रखी हुई थी वो पुराने जमाने की थी, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउ अडेज, और
वो जो बिल्स थे, वो जो करेंसी थी, वो जो 20th सेंचुरी में यूज होती है उसके कंपैरिजन में बड़ी थी एंड डिफरेंट लुकिंग, और उसका जो लुक था वो भी डिफरेंट था। जैसे आपने देखा होगा डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें जो 500 के जो नोट है वो चेंज हुए हैं, तो उसके कंपैरिजन में उसका साइज भी छोटा है, जिसको कि अब हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा ही था कि 19th सेंचुरी में जो करेंसी थी वो डिफरेंट यूज होती थी, और जो 20th सेंचुरी में यूज होती है वो बिल्कुल अलग है। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं मुड़ा और जल्दी से वहां से भाग गया। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्योंकि इवन इन द 1894 वो ये कहता है कि जेल के अंदर, चाहे हम वो 19th सेंचुरी की बात करें या फिर 20th सेंचुरी की बात करें, जेल में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, जेल एक बुरी ही चीज होती है, और इसीलिए उसने वहां से भाग जाना ही ठीक समझा। यस, अब उसने जैसे ही देखा कि कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए और मुझे पकड़ करके ले जाए, क्योंकि जेल जो है ना तो 19th सेंचुरी में अच्छी है ना ही 20th सेंचुरी में, तो वो वहां से भाग, उसने भाग जाना ही ठीक समझा। एंड दैट वॉज दैट, और ऐसा ही था। आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, मैं उसी रास्ते से गया जिस रास्ते से मैं आया था। आई सपोज, मुझे ऐसा ही लगता है। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, और अगले दिन जब लंच का टाइम हुआ, आई ड्रू $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकलवाए। नियरली ऑल वी हैड, जितने मेरे बैंक के अकाउंट में मैंने रखे हुए थे। एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और जो पुराने स्टाइल की करेंसी थी जो वो देख करके आया, कहाँ पर, 19th सेंचुरी में। दैट रियली वरिड माई साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड, और इससे मुझे लगता है कि जो मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है सैम, उसको बहुत ज्यादा चिंता हो गई होगी। यू कैन बाय ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, अगर आप चाहें पुराने टाइम की करेंसी अगर आपको खरीदनी है तो किसी भी करेंसी डीलर से, जो कॉइन डीलर्स होते हैं, करेंसी डीलर्स होते हैं, उनसे आप इजीली खरीद सकते हैं। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, प्रीमियम मीन्स क्या होता है, बोनस, एक्स्ट्रा बोनस, लेकिन उसके लिए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। लाइक अगर हम पुराने टाइम की करेंसी खरीदते हैं तो आज की जो करेंसी है वो आपको ज्यादा चाहिएगी, और जो ओल्ड करेंसी है उसकी क्वांटिटी आपको कैसी मिलेगी, कम मिलेगी। माई $300 बोट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, उसने कितने लिए थे, उसने $300 दो थे वो अपने निकाल लिए थे, कहां से निकाले थे, अपने बैंक से। एंड कितने मिले उसको वापस में, लेस देन 200, ठीक है ना, 200 से भी कम, लेस देन $200, ठीक है। तो आप देख लीजिए कितना फर्क आ जाता है पुरानी और नई करेंसी में अगर हम कंपैरिजन करते हैं। सो बट आई डेंट केयर, लेकिन मुझे बिल्कुल इस बात की कोई भी चिंता नहीं थी। एग्स वर 13 सेंट्स आ डजन इन 1894, यहां पर वो क्या कहते हैं, चिंता क्यों नहीं थी, क्योंकि उस समय जो है एग्स वर 13 सेंट, की जो एग्स हैं वो 13 सेंट्स में ही आपको कितने मिल जाएंगे, एक दर्जन मिल जाएंगे, किसमें, 1894 में। इसका मतलब ये भी है कहने का कि जो 19th सेंचुरी है उसमें चीजें जो है वो काफी सस्ती हैं, चीप हैं, और इसीलिए अगर मेरे को यहाँ पे लेस देन $200 भी मिले हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी मैं बहुत कुछ वहां पर परचेज कर सकता हूँ। बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द 3rd लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन उसने पुरानी करेंसी ले तो ली, लेकिन कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं हो पाया कि वो कॉरिडोर उसको मिला ही नहीं, जो उसको कहाँ लेकर के गया था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन लेकर के गया था, और इसीलिए वो कभी उसको ढूंढ ही नहीं पाया 3rd लेवल जहां वो पहुंच चुका था, 19th सेंचुरी में नहीं जा पाया। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, हालांकि मैंने बहुत बार कोशिश की लेकिन वो कॉरिडोर मुझे नहीं मिला जो मुझे 3rd लेवल पे लेके जाता ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। यस, तो स्टेशन तो उसको मिला ही नहीं, वो 3rd वाला जो लेवल था वो मिला ही नहीं, जिससे वो कहाँ जा सके, वो 19th सेंचुरी में दोबारा जा सके, क्योंकि उसने ओल्ड करेंसी भी ले ली है, जहां जाने के लिए उसको 2 टिकट चाहिए थी। कहाँ जाना चाहता था वो, गेल्सबर्ग, इलिनॉइस। लुइसा वॉज प्रिटी वरिड वेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, अब उसने जब ये इंसिडेंट अपनी वाइफ को बताई, लुइसा को बताई, देन शी वॉज वेरी वरिड, प्रिटी मीन्स क्या हो गया, वेरी, एंड वरिड मीन्स डिस्टर्ब्ड। जब चार्ली ने अपनी वाइफ को इस सारी चीजों के बारे में बताया तो वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, एंड डिडंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द 3rd लेवल एनी मोर, वो और वो ये चाहती थी, लुइसा ये चाहती थी कि मुझे आप 3rd लेवल को ढूंढना बंद कर देना चाहिए,
एंड आफ्टर अ वाइल आई स्टॉप, और कुछ समय के बाद जब मुझे थर्ड लेवल मिला ही नहीं तो मैंने रोक भी दिया उसको, ढूंढना मैंने बंद कर दिया। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, और मैंने फिर से अपना पूरा फोकस किसके ऊपर लगा दिया, अपने स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी थी उसी के ऊपर लगा दिया। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ले है वो सिर्फ ही जस्ट लुकिंग फॉर अ रिफ्यूज, अपने लिए वो एक ऐसा शेल्टर ढूंढ रहा है, एक ऐसा बहाना ढूंढ रहा है जिससे वो अपने आप को इनसिक्योरिटी से, वरिड से, चिंता से अपने आप को दूर रख सके। और इसीलिए वो वापस से किस में लग गया, उसने अपना मन किस में लगा दिया, अपनी स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी पे लगा दिया। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग, लेकिन अब हम दोनों ही ढूंढ रहे हैं। दोनों कौन हो गया, लुइसा और चार्ले। अब हम दोनों ही उस थर्ड लेवल को ढूंढ रहे हैं एवरी वीकेंड, हर वीकेंड पे, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। बिकॉज अब हमारे पास ये प्रूफ है कि सच में थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है। माई फ्रेंड सैम वीनर डिसअपीयर्ड। अब क्या कहते हैं वो कि मेरा जो दोस्त था, जो मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम क्या था, सैम वीनर था, वो अचानक से गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई नहीं जानता था कि वो कहां चला गया। बट आई शॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड, लेकिन मुझे थोड़ा सा शक था, बिकॉज सैम इज अ सिटी बॉय। बिकॉज जो सैम था वो कहाँ का रहने वाला था, वो एक शहर का रहने वाला लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं अक्सर उससे डिस्कस किया करता था गेल्सबर्ग के बारे में, कि जब मेरे दादाजी उस जगह रहा करते थे तो चीजें कितनी अच्छी होती थी। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैंने इसको बताया था कि मैं वहां स्कूल भी गया हुआ था। एंड ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, और इसीलिए वो जब मेरी बातें सुनता था तो कहता था कि जगह के बारे में सुनना जो है वो कितना अच्छा लगता है। यानी मीन्स टू से दैट कि इस जगह की जो आवाज है, आवाज का मतलब क्या है, वो जो चीजें वहां पर हो रही हैं उन सब के बारे में जानना उसको बहुत ही अच्छा लगता था। एंड दैट्स वेयर ही इज, और यही वो जगह है जहां वो गया है। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक, इन 1894, यानी जो सैम है वो 19th सेंचुरी में पहुंच चुका है, उनके पास प्रूव है, और इसीलिए लुइसा के साथ चार्ली जो है वो उसने अभी कंटिन्यू कर दिया है थर्ड लेवल को ढूंढना। अब हम देखेंगे कि उनके पास ऐसा क्या प्रूव है जिससे उनको ये पता चला कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है एंड इट्स रियली वर्दी टू फाइंड। यस, अब देखिए, अब हम प्रूव देखते हैं कि क्या प्रूव है कि जिससे ये पता चले कि सच में थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है। बिकॉज वन नाइट फसिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, फसिंग विद मीन्स क्या हो गया, पेइंग टू मच अटेंशन, पेइंग टू मच अटेंशन, किसी भी चीज पे कुछ ज्यादा ही अटेंशन देना, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होती है लेकिन फिर भी उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना। तो when he was very much paying attention to his stamp collection, तो एक दिन एक रात उसके साथ क्या होता है, I found well, एक दिन मुझे मिला, अच्छा, do you know what a first day cover is? सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि first cover क्या होता है? When a new stamp is issued, अब वो बताते हैं कि first day cover क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जब भी एक नई stamp issue होती है किसी भी country के अंदर, stamp collector by some, तो स्टैम्प कलेक्टर जिनको कि स्टैम्प कलेक्शन का शौक होता है वो कुछ स्टैम्प्स खरीद लेते हैं एंड यूज देम टू मेल एनवेलप्स टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, और वो क्या करते हैं, उन एनवेलप्स पे उनको पेस्ट कर देते हैं और अपने आप को ही क्या करते हैं, वो सेंड कर देते हैं ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल। मीन्स टू से दैट जिस दिन इश्यू हुई उसी दिन खरीदी, उसी दिन उसको पेस्ट किया गया और उसको अपने आप को ही उन्होंने मेल कर लिया। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, और उसके ऊपर जब स्टैम्प लगती है डेट की तो वो प्रूव होता है कि जिस दिन ये इश्यू हुई है स्टैम्प उसी दिन उसको परचेज किया गया है। तो ये क्या होता है, द एनवेलप इज कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और इस एनवेलप को हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डे कवर। They are never opened. उनको कभी खोला नहीं जाता है, उस एनवेलप को कभी खोला नहीं जाता है। You just put blank paper in the envelope. और इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो आपने अपने आप को ही मेल किया है, वो तो सिर्फ प्रूव करने के लिए आपने मेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसके अंदर आपने कुछ लिखा हुआ है, उसके अंदर सिर्फ एक ब्लैंक पेपर रखा जाता है
और उसको क्या कर दिया जाता है, उसको मेल कर दिया जाता है अपने आप को ही। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स, और उस रात जितने भी मेरे फर्स्ट डे कवर्स थे उनके बीच में आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, मुझे कुछ ऐसा मिला जो उसको वहां पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहां था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंड फादर एट हिज होम इन गिल्सबर्ग, और वो मेरे कलेक्शन में इसलिए था क्योंकि उसको किसी ने उस एनवेलप को, उस फर्स्ट डे कवर को किसी ने मेरे ग्रैंड फादर को मेल किया था। कौन से घर पे? गिल्सबर्ग वाले में, जहां पर ग्रैंड फादर रहा करते थे। मीन्स टू से दैट कि जो एनवेलप उसको मिला है, जो फर्स्ट डे कवर यहाँ पे मिला हुआ है, उसके ऊपर उनको फर्स्ट डे कवर के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है वो ग्रैंड फादर का है, और उनको कहाँ पे भेजा गया, मेल किया गया है, गिल्सबर्ग किया गया है। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेड, और ये जो कहना था, ये किसका कहना था, जो एड्रेस मेंशन था उस एनवेलप के ऊपर। एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 18, 1894, और ये एनवेलप कब से था वहां पर, क्योंकि इस पे डेट थी जुलाई 18, 1894, तो ये जो डेट यहाँ पे मेंशन हुई है ये उस स्टैम्प से पता चल रहा था उसको फर्स्ट डे कवर के कि ये कब वहां पर पोस्ट किया गया था। द पोस्ट मार्क शोड दैट, क्योंकि जो पोस्ट मार्क था उसने बता दिया था कि इस पे डेट क्या, किस दिन वो इशू हुई है स्टैम्प और किस दिन उसको भेजा गया है। येट आई डिंट रिमेम्बर इट एट ऑल, हालांकि मुझे इसके बारे में कोई याद नहीं है, कुछ भी नहीं पता मुझे इसके बारे में। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, और जो स्टैम्प थी उस पे जो पेस्ट की गई थी स्टैम्प, उसकी जो वैल्यू थी वो 6 सेंट थी। डल ब्राउन विद अ पिक्चर, उसका जो कलर था वो डल ब्राउन था, और उसके ऊपर एक पिक्चर बनी हुई थी। किसकी बनी हुई थी वो पिक्चर? यस, ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड। वो स्टैम्प जो इश्यू हुई थी उस टाइम के अंदर 1894 के अंदर, जो डेट डली हुई है जुलाई 18, 1894, उस स्टैम्प का जो कलर था वो डल ब्राउन था, उसके ऊपर एक पिक्चर लगी हुई थी, और उस पिक्चर पे कौन थे? प्रेसिडेंट गारफील्ड। नेचुरली when the envelope came to granddad in the mail, it went right into his collection. Naturally है कि जब एनवेलप granddad के पास आया तो वो automatically उनके किसका पार्ट बन गया? उनके stamp collection का पार्ट बन गया, and stayed there, और वहां पर ही वो पड़ा रहा। अब आपने देखा होगा ना, क्योंकि जो granddad का जो collection है वो किसको हैंड ओवर हुआ है? चार्ली को हुआ है। जो granddad के पास जितने भी फर्स्ट डे कवर्स थे वो कैसे आ गए? ऑटोमेटिकली चार्ली के पास आ गए हैं। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, और वो तब तक रहा जब तक मैंने उसे उठाया नहीं वहां से और उसको खोला नहीं, क्योंकि अभी चार्ली क्या करने वाला है? उसको खोलने वाला है। यस yes, अब देखिए जो फर्स्ट डे कवर्स होते हैं उसमें जो पेपर रखा होता है वो ब्लैंक होता है, लेकिन यहाँ पर जो पेपर था वो ब्लैंक नहीं था। द पेपर इन साइड वॉजन ब्लैंक, इट रेड, उसमें लिखा था 941 विलियर्ड स्ट्रीट गिल्सबर्ग इलिनॉइस जुलाई 18, 1894 चार्ली, ठीक है। किसको लिखा गया है? ये चार्ले को लिखा गया है। चार्ले कहाँ रहता है? न्यूयॉर्क में रहता है, लेकिन यहाँ पर जो एड्रेस है वो कहाँ का है? गिल्सबर्ग इलिनॉइस का है। और क्या लिखा हुआ है? आई गॉट टू विशिंग दैट यू वर राइट, मैं हमेशा से ये बात को मानता था, आशा करता था कि तुम बिल्कुल ठीक थे। देन आई गॉट टू बिलीविंग यू वर राइट, और धीरे धीरे मैं विश्वास करने लग गया कि तुम बिल्कुल ठीक थे। एंड चार्ले इट्स ट्रू, और चार्ले ये बिल्कुल सच है। आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल गया है। आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, मैं यहाँ पर पिछले 2 वीक्स से हूँ, 2 सप्ताह से हूँ, मीन्स टू से दैट 14 डेज से हूँ। एंड राइट नाउ, और अब डाउन द स्ट्रीट्स एट द डेलीज, अब वो क्या कहते हैं, गली में बिल्कुल नीचे किसके घर के पास? डेली। डेली कौन है? एक नेबर है, जिसके बारे में, नेबर के बारे में यहाँ पर कौन बता रहे हैं? सैम बता रहे हैं, क्योंकि लेटर किसने लिखा है? सैम ने लिखा है। समवन इज प्लेइंग अ पियानो, कि गली में नीचे दिल्ली के घर के पास कोई पियानो बजा रहा है। एंड दे आर ऑल आउट ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग, और सब बाहर हैं फ्रंट पोर्च। फ्रंट पोर्च मीन जैसे दहलीज होता है ना, जैसे आप एंट्रेंस से अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं अपने घर के, तो पोर्च मीन्स क्या होता है? दहलीज होती है घर की, ठीक है। तो कहते हैं कि जब कोई पियानो बजा रहा है और सब अपनी दहलीज पे बैठ करके सिंगिंग कर रहे हैं, और कौन सा गाना गा रहे हैं? सिंग नेली होम,
ये वो फेमस गाना है जो 1894 के अंदर लोग गाया करते थे. ये पुराना गाना है, उसके यहाँ पे ये लिरिक्स गिवन है. एंड आई एम इनवाइटेड ओवर फॉर लेमनेड, और मुझे भी किसके लिए बुलाया गया है, लेमनेड के लिए बुलाया गया. कम ऑन बैक चार्ले एंड लोइसा, आ जाओ चार्ले और लोइसा. कीप लुकिंग टिल यू फाइंड द थर्ड लेवल, उसे तब तक ढूंढते रहो जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिल जाता है. इट्स वर्थ इट, बिलीव मी, सच में ये एग्जिस्ट करता है, मेरा विश्वास करो. यस, तो सीइंग नेले होमिंस क्या है, फेवरेट सॉन्ग ऑफ 1890s. ठीक है, 1890s का एक बहुत ही फेमस गाना. एंड लेमनेड क्या होता है, यस, ड्रिंक ऑफ लेमन फ्लेवर विद बबल्स. ठीक है, बबल्स लगे होते हैं, उसका जो टेस्ट होता है वो लेमन का होता है, इसलिए उसे लेमन एड ही बोलते हैं. तो यहाँ पर जो लेटर है, द नोट इज साइंड सैम, और वहाँ पर सिग्नेचर किसके थे, सैम के थे. सैम ने ये लेटर चार्ली को लिखा है और उनको इनवाइट किया है कि तुम एक काम करो, जल्दी से मेरे पास आ जाओ और थर्ड लेवल को जब तक ढूंढो जब तक वो तुम्हें नहीं मिल जाता है, और विश्वास करो वो सच में एग्जिस्ट करता है, तुम्हें वो जरूर मिलेगा. यस, तो अभी देखिए लेटर लिखा है सैम ने कहाँ पहुंच करके, 19th सेंचुरी में, और लुइसा और चार्ली को भी बुला लिया है. अब लास्ट जो है वो देख लेते हैं हम. एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, जिस स्टैम्प और कॉइन स्टोर जहां मैं जाता हूँ किसके लिए, पुरानी करेंसी लेने के लिए. आई फाउंड आउट दैट, तो मुझे पता चला, सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी. सैम ने कितना, $800 कीमत की क्या खरीदी है, पुराने स्टाइल की करेंसी खरीदी है $800 की. ठीक है, यानी उसके पास भी जितना अमाउंट था उसने सारा का सारा ले लिया है, और क्या खरीद लिया है उसका, $800 वर्थ का उसने क्या खरीदा है, ओल्ड स्टाइल करेंसी उसने खरीद लिया. ये पता चल जाता है, किसको पता चल जाता है, चार्ली को पता चल जाता है. That ought to set him up in a nice little hay. अब वो क्या सोचते हैं चार्ली, कि उसने जो यहाँ से $800 वर्थ की पुरानी स्टाइल की जो करेंसी खरीदी, इससे वो क्या करेगा, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस, वहां पर जाकर के वो इसका बिजनेस सेटअप करने वाला. हे मीन्स क्या होता है, ड्राई ग्रास, जो सूखी घास होती है उसे हे बोला जाता है. फील्ड क्या है, फूड फॉर एनिमल्स. एंड ग्रेन लाइक जैसे हो गया वीट राइस एक्सेट्रा, ये ग्रेन्स का ही पार्ट होता है आपका. ठीक है, सो वहां पर जाकर के वो अपना एक बिजनेस सेट करने वाला है, जो कि किसके रिगार्डिंग होगा, हे फीड एंड ग्रेन बिजनेस. बिजनेस क्या होता है, वर्क, ट्रेड. He always said that's what he really wished he could do. क्योंकि चार्ले से वो अक्सर डिस्कस किया करता था कि उसकी इच्छा थी कि उसका इस तरह का कोई काम हो, इस तरह का कोई बिजनेस हो. And he certainly can't go back to his old business. अब यहाँ पे बिजनेस क्या हो गया, ट्रेड या वर्क. ठीक है, क्योंकि वो अपने पुराने काम को तो वहां पे कैरी नहीं कर सकता है, क्योंकि नॉट इन गिल्बर्ग्स इन इलिनॉइस इन 1894. इलिनॉइस 1894 में वो अपने उस पुराने काम को कैरी नहीं कर सकता है. हिज ओल्ड बिजनेस क्या है, उसका पुराना बिजनेस. व्हाई, सैम वाज माय साइकाइट्रिस्ट, क्योंकि सैम जो है वो मेरा साइकाइट्रिस्ट फ्रेंड है. साइकाइट्रिस्ट कौन होते हैं, यस, द डॉक्टर हु ट्रीट्स मेंटल इलनेस. जैसे किसी को अगर कोई मेंटली प्रॉब्लम होती है, लाइक डिप्रेशन में चले जाते हैं, या किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, या कोई भी ऐसी बीमारी जो किससे बिलोंग करती है, माइंड से बिलोंग करती है, तो उसका ट्रीटमेंट करता है. लेकिन वहां पर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि गेल्सबर्ग इलिनॉइस में लोग इतने खुश हैं कि उनको पता ही नहीं है कि साइकाइट्रिस्ट भी कुछ होता है. साइकाइट्रिस्ट जो है वो कहाँ मिलेंगे आपको, मॉडर्न टाइम में मिलेंगे.
पुराने टाइम में ऐसा कोई भी प्रोफेशन नहीं था, और इसीलिए वहां जाकर के उसको ये काम जो है अपना कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक पर्सन चार्ली, उसकी इमेजिनेशन कहाँ कहाँ तक जाती है। सो इट वॉज अबाउट द थर्ड लेवल। आई होप आपको चैप्टर क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बींग विद अस। बी कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी।